दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है तब से हम इंसानों को ऐसा लगता है कि इस पूरी प्रकृति की सबसे शानदार रचना हम यानी मनुष्य हैं। आपको बहुत बार ऐसा पढ़ने और सुनने को मिल जाएगा कि मनुष्य सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, ये तो मानने वाली बात है कि हम यानी मनुष्य सभी जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन ये दावा बिल्कुल गलत है कि हम सबसे श्रेष्ठ भी हैं। इस प्रकृति ने समय समय पर ऐसे शानदार और विशाल जीवों की रचनाएं की हैं जो हमें हमारी बुद्धिमानी समेत किसी मच्छर की तरह मसलकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अतीत में मौजूद कुछ ऐसे ही विशाल जीवों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में जानकर आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा जरूर करेंगे, क्योंकि ये जीव आज लुप्त हो चुके हैं। अगर वर्तमान समय में ये विशालकाय जीव अचानक से आ जाएं, तो निश्चित ही हमारी खुद को श्रेष्ठ समझने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेगलोडोन मछली। ये मछली एक विशालकाय शार्क थी जो आज से करीब 20 लाख वर्ष पूर्व सारे समुद्र पर राज करती थी। जानकारों के मुताबिक इस मछली की लंबाई कम से कम 80 फीट के करीब थी। खाने के मामले में ये पूर्णतः मांसाहारी थी, जो पल भर में किसी व्हेल को मारने का दम भी रखती थी। जिस तरह से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, ठीक वैसे ही ये शार्क भी समुद्र की रानी थी। ऐसा कोई समुद्री जीव नहीं था जो इस शार्क से टक्कर ले सके। इसके विशालकाय जबड़ों का फैलाव लगभग 8 फीट था, यानी ये एक ऊंट जितने बड़े जानवर को भी एक ही बार में पूरा का पूरा जिंदा निगल सकती थी। टाइटेनोबोआ। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो आपका जवाब होगा एनाकोंडा। लेकिन टाइटेनोबोआ नामक अजगर वजन और आकार में एनाकोंडा से 2 गुने से भी ज्यादा था। इस देवता रूपी अजगर की लंबाई 70 फीट और वजन 1500 किलो के आसपास हो जाता था। ये बड़ी ही आसानी से एक मगरमच्छ या डायनासोर को भी लपेटकर मार देता था और उसे जिंदा निगल जाता था। ये लगभग 5 करोड़ साल पहले ब्राजील और कोलंबिया के वर्षा वनों पर राज करता था। ये इतना बड़ा और ताकतवर था कि हम इंसानों द्वारा बनाई गई पूरी की पूरी बिल्डिंग को भी अपनी कुंडली में लपेटकर गिरा सकता था। सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव। क्वेट जो क्वाटलस सभी टेरासोर्स यानी उड़ने वाले डायनासोर्स में सबसे बड़ा था। इसके पंखों का फैलाव 60 फीट तक हो जाता था, जो इसे हवा में उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव बनाते थे। ये बड़ी ही आसानी से एक हाथी को भी अपने पंजों में उठाकर उड़ सकता था। इसकी खोपड़ी और चोंच काफी बड़ी और मजबूत थी, जो इसे अपने शिकार को पल भर में मारने में मददगार होती थी। जानकारों के मुताबिक ये बेहद तेज गति से आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। सबसे बड़ा स्तनधारी। पैरासराथेरियम एक गैंडे जैसा दिखने वाला जानवर था। ये पृथ्वी के इतिहास में जमीन पर रहने वाले सभी स्तनधारी यानी वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें सबसे बड़ा था, जो करीब 2.5 करोड़ साल पहले ही लुप्त हो गया था। इसकी ऊंचाई 25 फीट से भी ज्यादा हो जाती थी, यानी ये किसी 3 मंजिला मकान के बराबर ऊंचाई का था। वहीं इसकी लंबाई लगभग 30 फीट के करीब होती थी। इसकी त्वचा गैंडे के समान ही बहुत मोटी थी और इसका वजन 25 से 30 टन तक हो जाता था। वैसे तो ये जानवर काफी शांत और सुस्त स्वभाव का था, लेकिन नाराज होने पर ये बड़े से बड़े पेड़ों को भी टक्कर मारकर उखाड़ देता था। ये भारत समेत पूरे एशिया, यूरोप और अमेरिका में पाया जाता था। सबसे बड़ा मांसाहारी। अगर शिकारी जानवरों की बात की जाए, तो 10 करोड़ साल पहले रहने वाला स्पाइनोसोरस सबसे बड़ा और बेहद खूंखार शिकारी था। ये 60 फीट तक ऊंचा हो जाता था। ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था और 25,000 किलोग्राम से भी अधिक वजन का होता था। इसे अपना पेट भरने के लिए करीब 2 से 3 टन मांस की जरूरत होती थी, यानी ये किसी किसान के तबेले में बंदी सारी भेड़ बकरियों या 2 या 3 भैंसों को बड़े आराम से चट कर सकता था। ये बेहद फुर्तीला था और काफी तेज दौड़ सकता था। आमतौर पर यह नदियों के आसपास रहता था और नदियों में रहने वाली बड़ी मछलियों और मगरमच्छों का ही शिकार करता था, लेकिन शिकार की कमी के कारण ये दूसरे डायनासोर्स पर भी हमला करके उन्हें मारकर खा जाता था। आज तक का सबसे बड़ा जीव। टाइटेनोसोर अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा डायनासोर और पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा जीव भी है। इसकी लंबाई 200 फीट से भी अधिक हो जाती थी, यानी ये लगभग दिल्ली के कुतुब मीनार जितना ऊंचा था। इसका वजन 120 टन यानी 1 लाख किलोग्राम से भी अधिक हो जाता था।
इसका सर इसके शरीर की तुलना में काफी छोटा होता था। निश्चित तौर पर यह डायनासोर पृथ्वी पर आज तक पैदा हुए सभी जीवों में सबसे बड़ा जीव है, लेकिन अगर ये आज के समय में होता तो हम इंसानों को इससे डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये शुद्ध रूप से शाकाहारी था। हालांकि अपनी विशाल कद काठी के दम पर ये गुस्सा होने पर पल भर में ही किसी शहर को मटिया मेट कर सकता था। टाइटेनोसोर्स लगभग सभी महाद्वीपों पर समान रूप से पाया जाता था। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशालकाय जीव जो आज लुप्त हो चुके हैं। ये कैसे लुप्त हुए, इसके बारे में कई सारी अलग अलग थ्योरी हैं, जिसमें से किसी एक थ्योरी को भी पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।